या भगवती भिक्षाम देहि या भगवती भिक्षाम देहि या भगवती भिक्षाम देहि अंदर आइए। शाक्यमुनि माफ करना पर आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव के लोग डरकर अपनी खिड़की और किवाड़ बंद करके बैठे। कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय किस कारण से? उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मानुष मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या सन्यासी, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही भी उससे डरते हैं, वो भी उसे ना पकड़ पाए। धन के लालच में? नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वो जब भी किसी प्राणी पर वार करता है, उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और ये भी सुना है कि 100 उंगली की माला बनाकर जब वो अपने गले में बांधेगा, उसकी विनाशक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। मुनि जी, आप बाहर ना जाएं, वो आप पर भी वार कर सकता है। भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। मुझे मुझसे भय नहीं लग रहा, मैं आदि मानव हूं। नहीं, तुम मानव। जोगी, तूने कहा कि तू कब का रुक चुका है, पर तू तो चल ही रहा था। और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। मैं सबकी हत्या करूंगा। मानो में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगली माल। क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया,
करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। तुम हर व्यक्ति जैसे नहीं हो। मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हो ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्बलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पे चल सकते हो अंगुलीमाल। तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, मैंने बहुत हत्याएं की है, अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं, जब आंखें खुले तभी सवेरा। मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा, आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दी। मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संघ से जुड़ता है।